हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइट अकैडमी। जिवें कि तुसी जानते हो कि मैं परमजीत कौर तुहानू पंजाबी टीच कर रही हाँ, तो आप मास्टर कैडर ठीक है जी, वो आप 30 लैक्चर लगा चुके हैं, तो ETT 5994 के आप 15 लैक्चर लगा चुके हैं। तो अज असी मास्टर कैडर ETT 5994 कंसीडर करके उन्होंने कॉमन लैक्चर शुरू करांगे, क्योंकि उन्होंने जो टॉपिक है वो सेम है। तो शुरू करते हैं जी आज का पहला लैक्चर अपना। शुरू करन तो पहला एक छोटी जी इनफॉर्मेशन, साडा फ्री वट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुसी अपना नेम ते जो BEd वाले स्टूडेंट है वह अपना सबजैक्ट ते ETT वाले ETT कैडर लिख के, मेल और फीमेल लिख के सानू इस नंबर पर वट्सएप मैसेज करो, तो तुहानू वट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो इस वट्सएप ग्रुप में ही तुहानू सारियां वीडियोज़ के लिंक अते फ्री PDF शेयर कीतियां जाणगियां। हाँ जी, शुरू करते हैं जी आज का लैक्चर। प्रश्न नंबर एक। हाँ जी अमनदीप, सत श्रीकाल जी। संजय, सत श्रीकाल। विजयप्रीत सिंह, सत श्रीकाल जी। हाँ जी मनप्रीत कौर। हाँ जी सरबजीत, गुड इवनिंग। हाँ जी, पहला प्रश्न है जी, कलो अते रब अपने असली रूप में कहानियां हैं। ऑप्शन ए नानक सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह दुग्गल, ऑप्शन सी प्रिंसीपल सुजान सिंह, ऑप्शन डी कुलवंत सिंह विर्क। हाँ जी सरबजीत, हाँ जी चांदनी, हाँ जी संजय, हाँ जी ममता, रीना, रबनूर, हाँ जी राजवीर कौर। हाँ जी, हाँ जी अमन, हाँ जी मनप्रीत, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी कुलविंदर कौर। हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन नानक सिंह दियां कहानियां ने जी, कलो अते रब अपने असली रूप विच। हाँ जी प्रश्न नंबर दो, अनुकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है। हाँ जी ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी संत सिंह सेखों, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात। हाँ जी सरबजीत जी, हेलो जी। हाँ जी अमन कंबोज, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रीना, ममता, हाँ जी विजयप्रीत, हाँ जी संजय, राजवीर कौर, चांदनी अरोड़ा, सरबजीत, मनप्रीत। हाँ जी ऑप्शन सी अनुकरण का जिहड़ा सिद्धांत है, ऑप्शन सी अरस्तु ने दिता है जी। प्रश्न नंबर तीन। हाँ जी रंगमंच ते लोक नाटक पुस्तक हैं। ऑप्शन ए बलवंत गार्गी, ऑप्शन बी ब्रह्म जगदीश सिंह, ऑप्शन सी अजमेर औलक, ऑप्शन डी सुरजीत सेठी। हाँ जी महेश सिंधी, हाँ जी संजय, हाँ जी रीना रानी, मनप्रीत कौर, सरबजीत, हाँ जी ममता, राजवीर, अबनूर, जनक रानी, चांदनी, अमन कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी वीडियो नू वध तो वध शेयर करो जी। ऑप्शन ए बलवंत गार्गी दियां पुस्तकां हैं जी, ते जो रंगमंच पुस्तक है जी उहदे उपर बलवंत गार्गी नू 1962 विच भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया है, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर चार, केड़ा सूफी कवि अजोके समाज के पखंड से चोट करता है। ऑप्शन ए शेख फरीद, ऑप्शन बी वजीद, ऑप्शन सी शाह हुसैन, ऑप्शन डी बुल्ले शाह। हाँ जी, हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, अमन कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी मनप्रीत, हाँ जी जनक, महेश सिंधी, रीना रानी, विजयप्रीत सिंह, हाँ जी चांदनी अरोड़ा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। ऑप्शन डी बुल्ले शाह। प्रश्न नंबर पांच, पंजाबी साहित्य के मुढ़ले उसरिए हैं।
हाँ जी, ऑप्शन ए नाथ जोगी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी भाई वीर सिंह, ऑप्शन डी मुगल। हाँ जी संजय, हाँ जी अमन कंबोज, बिल्कुल राइट है जी। रबनूर, हाँ जी सरबजीत, कुलविंदर, अमन कंबोज, हाँ जी विजय, हाँ जी रीना, मनप्रीत कौर, हाँ जी अमनदीप, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चांदनी, राजवीर कौर, हाँ जी ऑप्शन ए नाथ जोगी जेडे सी पंजाबी साहित्य दे मुढ़ले उसरिए। हाँ जी प्रश्न नंबर छे, गुफा विचली उड़ान स्वै जीवनी किसकी है? हाँ जी ऑप्शन ए प्रभ जोत कौर, ऑप्शन बी वरियाम संधु, ऑप्शन सी भाई वीर सिंह, ऑप्शन डी संतोख सिंह धीर। हाँ जी गुफा विचली उड़ान स्वै जीवनी किसकी है? हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी मनप्रीत, सरबजीत, नानक बराड, हाँ जी कुलविंदर, विजयप्रीत, चांदनी, जनक, राजवीर, रबनूर, बरियाम संधु, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रश्न नंबर सात, नासिकता का धुनी प्रवर्ग है? ऑप्शन ए अखंडी, ऑप्शन बी कोमल तालवी, ऑप्शन सी खंडी, ऑप्शन डी कंठी। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी नासिकता जेड़ी है वो केड़ी धुनी का प्रवर्ग है जी? हाँ जी महेश सिंधी, हाँ जी सरबजीत, राजवीर, कुलविंदर रोंग आंसर है जी। हाँ जी संजय बिल्कुल राइट है, जनक, नानक बराड, हाँ जी सरबजीत, चांदनी, अमन कंबोज, हाँ जी अखंडी धुनी। हाँ जी जिहड़ियां पंजाबी दियां धुनियां हन जी दो ने, खंडी ते अखंडी, ये भी अगो दो ने जी स्वर व्यंजन, ये चार ने जी नासिकता बल सुर संगम। ठीक है जी। प्रश्न नंबर आठ, सूफीवाद अते वेदांत दा सांझा सूत्र है? ऑप्शन ए बहुवेदवाद, ऑप्शन बी द्वैतवाद, ऑप्शन सी एक ईश्वरवाद, ऑप्शन डी विशिष्ट अद्वैतवाद। हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी कुलविंदर, हाँ जी चांदनी, विजय, नानक रोंग आंसर है जी। हाँ जी अमन कंबोज बिल्कुल राइट है जी, जनक, राजवीर, रीना। सूफीवाद अते वेदांत दा सांझा सूत्र जी ऑप्शन सी एक ईश्वरवाद है। प्रश्न नंबर नौ, सूफी मत विच शिरक तो की भाव है? ऑप्शन ए एक रब दी पूजा, ऑप्शन बी हजरत मुहम्मद साहब नू मनना, ऑप्शन सी सूफी संतां दा संदेश, ऑप्शन डी रब नाल किसे होर दी पूजा। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी कुलविंदर बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी जनक, सरबजीत, हाँ जी रीना, नानक, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी राजवीर, मनप्रीत, हाँ जी चांदनी, अमन, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। शिरक तो भाव रब दे नाल किसे होर दी पूजा करनी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 10, पंजाबी लोक मंची नाट खेतर विच सब तो वध योगदान है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी केवल धालीवाल, ऑप्शन सी चरणदास सिद्धू, ऑप्शन डी गुरशरण सिंह। हाँ जी रबनूर बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी चांदनी, कुलविंदर, हाँ जी संजय, नानक, सरबजीत, जनक, ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी मनप्रीत कौर, हाँ जी राजवीर कौर, अमन कंबोज, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन डी गुरशरण सिंह। प्रश्न नंबर 11, किस्सा पूरन भगत की कथा का आधार है?
ऑप्शन ए इतिहासिक, ऑप्शन बी लोक गाथा, ऑप्शन सी प्रेम गाथा, ऑप्शन डी वीर गाथा। हाँ जी रबनूर, हाँ जी विजय, हाँ जी ममता, हाँ जी रीना, सरब जी, संजय, नानक, जनक, हाँ जी अमन कंबोज, हाँ जी चांदनी, मनप्रीत, किरण, कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी राजवीर कौर। ऑप्शन बी लोक गाथा है जी यह। हाँ जी संजू स्वामी। प्रश्न नंबर 12, जेड़े शब्द मन की खुशी गमी जां हैरानी दे भाव प्रकट करन ओह हुंदे हन। ऑप्शन ए संबंधक, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विस्मिक, ऑप्शन डी योजक। हाँ जी ममता, हाँ जी नानक, हाँ जी विजय, हाँ जी सरबजीत, हाँ जी मनप्रीत, जनक, चांदनी, बिल्कुल राइट आंसर है जी ओह विस्मिक हुंदे हन जी। ते पंजाबी विच नौ तरह के विस्मिक हैं जी, नौ प्रकार दे। प्रश्न नंबर 13, दूजा विआह एकांगी किस दी है। ऑप्शन ए आई सी नंदा, ऑप्शन बी हरचरण सिंह, ऑप्शन सी प्रिंसिपल संत सिंह सेखों, ऑप्शन डी बलवंत गार्गी। हाँ जी रबनूर, हाँ जी, हाँ जी ममता, रोंग है जी, हाँ जी नानक, हाँ जी जनक, बिल्कुल राइट है जी चांदनी, रोंग है जी, हाँ जी कुलविंदर, हाँ जी संजय, मनप्रीत, बिल्कुल राइट है जी संत सिंह सेखों का एकांगी है जी दूजा विआह। ठीक है जी, तेरे पात्र ने जी निहाल कौर, ठीक है, एदा पुत्र है जी सुखदेव, नूह है जी ओह दूजा विआह ही है। प्रश्न नंबर 14, एक होर नवा साल नावल किस दी रचना है। ऑप्शन ए नानक सिंह, ऑप्शन बी निरंजन तस्नीम, ऑप्शन सी गुरदयाल सिंह, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी ममता, रबनूर, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी राजवीर कौर, हाँ जी संजय, हाँ जी किरण कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी नानक, एक होर नवा साल जेड़ा नावल है जी। हाँ जी अमन कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रीना रानी, बिल्कुल राइट है। हाँ जी निरंजन तस्नीम, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है जी। ये तीन कांड ने जी, तीन कांड ने जी, ये सवेर, दोपहर ते शाम। हाँ जी प्रश्न नंबर 15, एक होर नवा साल नावल का अंत केहो जिहा है। ऑप्शन ए सुखांतक, ऑप्शन बी दुखांतक, ऑप्शन सी प्रहसन, ऑप्शन डी ए अते बी दोवें। हाँ जी कुलविंदर, बिल्कुल राइट, रोंग, सॉरी जी। हाँ जी, हाँ जी सरबजीत, रोंग आंसर है जी। हाँ जी रबनूर, बिल्कुल रोंग है जी। हाँ जी राजवीर, रोंग है जी। हाँ जी किरण कंबोज, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी जेड़ा एक होर नवा साल नावल है जी, जेड़ा उदा अंत है वह दुखांतक है, ऑप्शन बी दुखांतक। हाँ जी प्रश्न नंबर 16, केड़ी चीज नूं भाषा का पहरावा कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी लगा मात्रा। हाँ जी कुलविंदर, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी रीना, ममता, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी किरण, हाँ जी रबनूर, राजवीर, बिल्कुल राइट है जी। संजय, चांदनी, अमन कंबोज, नानक, सरबजीत, बिल्कुल राइट है जी। लिपि नूं भाषा का पहरावा कहा जाता है जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्रश्न नंबर 17, जफरनामा एकांगी का लेखक कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर हरचरण सिंह, ऑप्शन बी बलवंत गार्गी, ऑप्शन सी आई सी नंदा, ऑप्शन डी गुरदयाल सिंह खोसला।
हाँ जी सरबजीत, हाँ जी रबनूर, हाँ जी महेश सिंधी, कुलविंदर, किरण कंबोज, राजवीर कौर, हाँ जी विजय प्रीत सिंह, संजू स्वामी, हाँ जी संजय, मनप्रीत कौर, नानक ब्राड़, हाँ जी चांदनी, रीना रानी। बिल्कुल राइट आंसर है जी ऑप्शन ए, डॉक्टर हरचरण सिंह। हाँ जी प्रश्न नंबर 18, 2014 का साहित्यिक का सम्मान किस नु मिलिया है? हाँ जी ऑप्शन ए मनमोहन, ऑप्शन बी जसविंदर, ऑप्शन सी दर्शन भुट्टर, ऑप्शन डी वनीता। हाँ जी राजवीर, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी सरबजीत, हाँ जी जनक, हाँ जी ऑप्शन बी जसविंदर नु मिले जी 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ जी जेड़े बच्चे साडा पेड ग्रुप मास्टर कैडर लगा रहे हैं उन्हां दी अज जिहड़ी क्लास है उहदी टाइमिंग 5 बजे दी है जी, 5 बजे दी। हाँ जी प्रश्न नंबर 19 ते जान तो पहला एक छोटी जी इनफॉर्मेशन, साडा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करन लई तुसीं अपना नेम अते मास्टर कैडर वाले अपना सब्जेक्ट अते ईटीटी कैडर वाले अपना ईटीटी कैडर मेल और फीमेल लिख के सानू इस नंबर ते व्हाट्सएप मैसेज करो ते तुहानू व्हाट्सएप ग्रुप विच ज्वाइन कर लिया जाएगा ते इसे व्हाट्सएप ग्रुप विच ही सानू सारिया वीडियोज़ दे लिंक अते फ्री PDF शेयर कीतियां जाणगियां। हाँ जी जिहड़े बच्चे साडियां लाइव क्लासां लगा रहे हैं है ना मास्टर कैडर BEd वाले उन्हां दा शुक्रवार टैसट लिया जाएगा कॉमन 16 तो लैके जिहड़ियां 30 तुहाडे लैक्चर लग चुके हैं उन्हां दे विचों। हाँ जी प्रश्न नंबर 19 टोटम तो भाव है, ऑप्शन ए समाजिक वर्जना, ऑप्शन बी समूहिक राय, ऑप्शन सी समाजिक प्रवानगी, ऑप्शन डी समूहिक न्याय। हाँ जी ममता, बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी हाँ जी जनक, हाँ जी संजू, हाँ जी रीना रानी, हाँ जी रबनूर, हाँ जी चांदनी, बिल्कुल राइट है। टोटम तो भाव ऑप्शन ए समाजिक वर्जना होंगी है जी, सॉरी सॉरी, हाँ जी समाजिक प्रवानगी होंगी है जी, ते जेड़ी समाजिक वर्जना है जी वो टैबू है, टैबू ठीक है जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 20, किस साहित्य रूप नूं खुली चिट्ठी वर्गा रूप मन्या गया है? ऑप्शन ए डायरी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी गीत, ऑप्शन डी निबंध। हाँ जी किस साहित्य रूप नूं खुली चिट्ठी वर्गा रूप मन्या गया है? हाँ जी प्रियंका रानी, बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन डी निबंध नूं खुली चिट्ठी वर्गा रूप मन्या गया है जी। प्रश्न नंबर 21, पंजाबी दे किस साहित्यकार ने रुबाई नूं तुरियाई कहा है? ऑप्शन ए पूरन सिंह, ऑप्शन बी भाई वीर सिंह, ऑप्शन सी तेजा सिंह, ऑप्शन डी मोहन सिंह। हाँ जी हरप्रीत, बिल्कुल राइट है जी। प्रियंका, महेश सिंधी, हाँ जी राजवीर, हाँ जी किरण, हाँ जी रीना, हाँ जी अमन कंबोज, रबनूर, हाँ जी संजू स्वामी, हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट आंसर है जी। रुबाई नू तुरियाई कहन वाला ऑप्शन बी भाई वीर सिंह। प्रश्न नंबर 22, भाई गुरु रामदास जी की कानड़े की वार नूं किस लोक धुनी दे गाउण दा आदेश है? ऑप्शन ए हसने महमे की वार, ऑप्शन बी लल्ला बहलीमा की वार, ऑप्शन सी मूसे की वार, ऑप्शन डी टुंडे असराजे की वार। हाँ जी सरबजीत, बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी संजू, हाँ जी अमन, हाँ जी कानड़े की वार जिहड़ी है जी वह लोक वार मूसे की वार की धुनी ते गाउण दा आदेश है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है जी।
प्रश्न नंबर 23 दोहरा दोहरा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए वर्णिक, ऑप्शन बी मात्रिक, ऑप्शन सी गणिक, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। हाँ जी, ऑप्शन बी मात्रिक छंद है जी। प्रश्न नंबर 24 रब्बा मेरे औगुण जितना तरी काफी विच किस वल्लों परमात्मा नूं संबोधन किया गया है? हाँ जी, ऑप्शन ए जीव आत्मा वल्लों, ऑप्शन बी संगतां वल्लों, ऑप्शन सी फकीरां वल्लों, ऑप्शन डी गुरु वल्लों। हाँ जी रीना, हाँ जी रपनूर, चांदनी, हाँ जी संजू, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। राजवीर, प्रियंका, बिल्कुल राइट आंसर है जी। ऑप्शन ए जीव आत्मा वालों संबोधन किया गया है जी। प्रश्न नंबर 25 किस साहित्य रूप का आद अते अंत घोड़ दौड़ वांग महत्वपूर्ण हुंदा है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी निबंध। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन बी कहानी। प्रश्न नंबर 26 गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की शैली केहो जेही है? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी काव्यमयी, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी रहस्यवादी। हाँ जी ऑप्शन बी काव्यमयी। प्रश्न नंबर 27 जीवनी कला की आधार भूमि की है? ऑप्शन ए यादा, ऑप्शन बी दंत कथावां, ऑप्शन सी डायरियां, ऑप्शन डी चिट्ठियां। हाँ जी बिल्कुल राइट है जी, हाँ जी ऑप्शन ए यादां। प्रश्न नंबर 28 वधेतर किन्नी प्रकार दे हुंदे हन? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। वधेतर किन्नी प्रकार दे हुंदे हन? हाँ जी सरबजीत बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी संजय, चांदनी बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी रीना, किरण, हाँ जी वधेतर तीन प्रकार दे हुंदे हन जी, अगेतर, मधेतर, पिछेतर। हाँ जी प्रश्न नंबर 29 सूफी मत विच रब दी एकता दा लखायक संकल्प है? ऑप्शन ए शरीयत, ऑप्शन बी तौहीद, ऑप्शन सी तसव्वुफ, ऑप्शन डी मार्फत। हाँ जी प्रियंका बिल्कुल राइट आंसर है जी। हाँ जी अमन कंबोज बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी ऑप्शन बी जिहड़ी रब दी एकता है जी, उहदा जिहड़ा संकल्प है ऑप्शन बी तौहीद। प्रश्न नंबर 30 मार्फत तों भाव है? ऑप्शन ए रहस्यवादी यात्रा दा मुढ़ला पड़ा, ऑप्शन बी
ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਵਨੂਰ ਸੰਜੇ ਕਿਰਨ ਕੰਬੋਜ ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੂ ਚਾਨਣੀ ਸਰਬਜੀਤ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 32 ਕਿਰਮਚੀ ਲਕੀਰ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਿਸ਼ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀਵਨ ਮੁਖੀ ਨਿਚੋੜ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਜਨ ਵਿਵੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35 ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੇਤਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੇਤਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਧੰਨਵਾਦ